जरूरत नहीं है, चाय पी लो, चाय तो खत्म हो गई। सो हम लोग उठ गए हैं और अंशी इधर उठ के ना फोन देख रही है, देवांश उधर अभी भी सो रहा है। ये जब तक ना एक बार उठ के उसके दोबारा से नहीं सोता है ना, तब तक इसकी नींद पूरी नहीं होती। तो अभी ये एक बार उठ के जगाया भी था लेकिन फिर दोबारा सो गया। तो ड्यूटी करके आ गए हैं, नाइट ड्यूटी और नाइट नहीं 24 घंटा, हाँ 24 घंटे की ड्यूटी करके आ गए हैं। बच्चे सोने तो देते हैं नहीं दोबारा, कौन सोने देंगे, मैं सोया तो था ना दिन में, सो गए ना, सोया था नींद नहीं आई। हाँ सुबह इनको नींद नहीं आती और सब बच्चे भी सोने नहीं देते हैं, बच्चे नहीं सोने देते हैं। और अभी मैंने अभी जब चाय नहीं पी, इन्होंने चाय पी ली अपनी। आज देखते हैं हम लोग आज क्या करते हैं पूरा दिन। आज पौधे के लिए बोल दिया, मैं पौधे दिला के, मैं बहुत दिन से इनसे बोल रही हूँ कि मेरे को नर्सरी लेके चलो, मैं कुछ फूल वूल के पेड़ लेके आऊंगी और पत्ता करी पत्ता लेके आना ना, हाँ वो मेरे को लेके आना, उसका पेड़ मैं लगाऊंगी यहाँ पर। मेरे पापा प्लांटिंग करते थे ना, उनका बहुत मन लगता था, अब मेरा भी मन लगने लगा। जब मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है ना तो मैं उनमें ही जाके लग जाती हूँ, मेरा गुस्सा भी शांत हो जाता है और मेरे को अच्छा लगता है वहाँ पे। पौधे लेके आता हूँ, कितने पौधे लाने, मैं देख के लाऊंगी ना, जो मेरे को ठीक लगेंगे वो लेके आऊंगी। तो मैंने अभी दूसरे वाले ब्लॉग में भी बोला था कि मेरे को जाना है, पर ये लेके नहीं गए, मुझे पता भी नहीं कहाँ पर है। कैमरा जैसे सामने आता है ना मेरा, समझ में नहीं आता इसमें बोलूं तो बोलूं क्या, ये बड़ी समस्या है, ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे कैमरा सामने आए बस बोलना। पर आज मैं जाऊंगी नर्सरी, अभी तो पहला काम है घर को क्लीन करना, अभी बहुत सारा काम है बाहर, मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई, अभी बाहर जाके झाड़ू लगाऊंगी, अंदर भी झाड़ू अभी वैसे नहीं लगी है, चाय पीने आ गई हूँ मैं। ये सुबह सुबह आ जाते हैं तो पहले हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ काम करते हैं। और कौन कौन से लेने, एक तो साला हमारा आईफोन का जो डिस्प्ले टूट गया है, डिस्प्ले डलवाना है, डिस्प्ले डलवाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, काफी टूट गई पता है, तो ना इसको ना व्लॉग एडिट करने में भी प्रॉब्लम होती है इस वजह से, टाइम नहीं मिल रहा है डिस्प्ले के लिए। और पता है मेरा जो अभी इससे पहले जो व्लॉग आने वाला है ना, आज मैं डाल ही दूंगी उसको, 2 दिन हो गए उस व्लॉग को बने हुए, पर ना वही है एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं, और फिर देर लेट हो जाता है डालने में। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आप व्लॉग क्यों नहीं ला रहे हो, व्लॉग है सच में, मतलब तो डिस्प्ले का जो है ना बीच में एकदम टूटा है वो। हाँ, उसका बीच में टूटा जाने के लिए आपको 50 किलोमीटर ऊपर से परमिशन लेनी है, परमिशन लेके आप बुलंदशहर जा सकते हो, ठीक है जाऊंगा फिर बुलंदशहर परमिशन लेके, परसों जाता हूँ परमिशन, परमिशन ले लेता हूँ ना, ठीक है परमिशन लेके जाता हूँ, डलवा दो डिस्प्ले का काम पड़ता रहता है यार, पड़ेगी भी तो 10,000 की, एक मन कर रहा है तो कहा 10,000 की पड़ेगी, तो डलवानी तो है ही ना, लोकल पड़वा दो, लोकल किसे डलवानी है, मैं सुबह सुबह अच्छी लग रही हूँ। आज हम जाएंगे नर्सरी और दे पापा पाजा उसको ले लो, तू आ जा रहा है मेरी गोद में, ओए चल मेरी गोद में आ जल्दी, क्या हो गया, क्या चाहिए तुझे को, पानी पीना है, ये रहा पानी बोतल उठाओ, वो वाला पानी उठाओ, बड़ा पानी हेलो अंशी, नहीं 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 बेटा, बाबू लग जाए, बाबू क्यों मारती हो, तुम्हार खाता रहता है, ओ टिक 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 गया गया गया, अरे बटन दबाना आता है, मैंने नहीं दबाया, हटो सामने से को हटो, अंशी मम्मा झाड़ू मार रही है, हां हां लो, ओ डैन या So, अभी मैं आ गई हूँ पोहा बनाने, और ये और मैं गद्दा लेके जा रहा हूँ क्योंकि सुसु में कर दिया, इसमें बहुत सारे स्मेल आ रहा है, देवान सुसु कर देता है ना, दोनों को दोनों कर देती है, कभी कभी अंशी भी कर देती है, तो स्मेल मार रहा है, अभी धूप में रख देंगे थोड़ा सा, तो बस। और मैं इधर बना रही हूँ पोहा नाश्ते के लिए, अभी दोनों खेल ही रहे हैं, तब तक साथ के साथ देखती हूँ अगर खाना बन गया तो, पर समझ में नहीं आया अभी क्या बनाए, गोभी रखी हुई, कल भी गोभी बनाई थी और अभी भी देखते हैं, ये बोल रहे गोभी मत बना कुछ और देखता हूँ, तब तक पोहा बना लेती हूँ, तो उधर मैं सारा अभी तैयार कर रही हूँ।
फिर मिलती हूँ पोहा रेडी करने के बाद, फिर मेरे को नहाना भी है, पूजा वगैरह भी करनी है। तो चलो, मेरी अलमारी ना ये अंशी के पापा के काम है, खुले ही रखते हैं ये हमेशा। क्या चाहिए अंशी की? देखो ये आ गई काम बिगाड़ने, कहाँ गई कहाँ गई, हटो तुम। हेलो एवरीवन, अभी मैं नहा ली हूँ, सब कुछ सारा काम हो गया है, पूजा भी कर ली है, झाड़ू पोछे सब कुछ हो गया, मतलब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। बाहर कपड़े पड़े हैं, बस बोले के आने हैं। खाना नहीं बनाया अभी, हमने नाश्ता कर लिया था, पोहा बनाया था। ये इधर देखो कंबल लेके सोने जा रहे हैं, क्योंकि ये करके आए हैं 24 घंटे की ड्यूटी, तो रात को सोने को नहीं मिला, तो अभी ये सो रहे हैं। सो अभी दोपहर का बज रहा है, 2 बजने जा रहा है, और अभी सब सो रहे हैं। मतलब अंशी 12-12:30 बजे तरफ सो गई थी और 2 बजने जा रहा है। देवांश जग गया था, अंशी सोई थी ना, उसके बाद देवांश जग गया था। देवांश अभी थोड़ी देर पहले सोया है, और अभी मैं लेके बैठी हूँ, लैपटॉप चलाऊँगी मैं थोड़ी देर, क्योंकि नींद नहीं आने वाली मेरे को। नींद के लिए ना मेरे को 4-5 घंटे चाहिए, मैं रात को ही सोऊँगी। तो मैं अभी फ़ोन चला रही हूँ, उधर मैं चाय लेके आ गई हूँ अपने लिए, चाय है मेरी उधर रखी हुई है, अभी मैं लैपटॉप चलाऊँगी। सो अभी यहाँ पर ये दोनों भी उठ गए हैं और दोनों खेल रहे हैं, दोनों को एक ही गेम चाहिए। तो ये है यहाँ की छोटी सी नर्सरी, पर यहाँ पर कोई दिख तो रहा नहीं है, है? यार यहाँ कोई दिख नहीं रहा, ये नर्सरी मिली हुई है इतनी मुश्किल से, तो कोई इधर मिल नहीं रहा है, इतनी मुश्किल से तो ये नर्सरी मिली थी, अब यहाँ कोई है नहीं, हमें ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अभी मैं लेट गई हूँ, खाना वाना सब कुछ बना लिया है, खा लिया है, टाइम हो गया है रात का 11। मैं भूल गई, पता है एक तो ना व्लॉग मतलब कम बनाने लगे हो ना, तो आदत सी छूट गई है। अभी मार्केट वगैरह से हम लोग आए थे, इतना मुश्किल से तो नर्सरी हमने ढूंढ पाई, मतलब थी तो रास्ते में, हम लोग डेली आते जाते थे ना, पर नज़र नहीं गई थी। आज जब मिली नर्सरी तो वहाँ पर कोई था नहीं, तो मेरा मन कर रहा था ना, वहाँ पर मनी प्लांट था उसको चोरी करके लाने का, फिर ये कह रहे नहीं ऐसे नहीं लेके जाना, तो फिर हिम्मत भी नहीं हुई, फिर मैं कुछ नहीं लेके आई, और बस मोमोज़ वगैरह खा के फिर हम वापस आ गए थे। फिर आके मैंने खाना वाना बनाया, अभी किचन विचन पूरा क्लीन करके डाल के आई हूँ, कल इनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, तो उसमें बस मैं थक जाती हूँ। दोनों अभी इधर सो गए हैं और ये भी इधर सो रहे हैं, मैं भी बस सोने वाली हूँ। मैंने सोचा कि मैं फिर अभी एकदम से मेरे को याद आया, मैं फ़ोन ऑफ़ करने ही जा रही थी, फिर मेरे को याद आया कि मैं अपना व्लॉग शूट नहीं किया मैंने काफ़ी देर से, क्योंकि आई थी उसके बाद इन्होंने मशीन लगा दी थी, बर्दी एक दुल्ली थी इनकी, और खाना वाना बनाने लगी थी तो टाइम लग गया था। अब जाके फ्री हुई हूँ, चलो सुबह मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ सुबह। तो ये हो गए हैं अभी रेडी, मैंने चाय पराठे बना दिया है इनके लिए, बच्चे दोनों सो रहे हैं, कैमरे पर क्या करो, इनके जाने के बाद मैं भी सो जाऊँ, नींद आ रही है, मन ही नहीं कर रहा था उठने का, एक तो पूरे दिन लेट ना पाओ ना एकदम से, फिर सुबह उठना पड़ता है, आँख नहीं खुलती। मैं सोच रही नहीं उठूँ नहीं उठूँ, फिर सोचा कि यार उठ जाती हूँ, फिर भूखे चले जाएंगे बेचारे, इसलिए मैं उठ गई। टाइम हो गया 5:30 हो गया पूरा, 5 बजे मैं उठी, चाय बनाई, साथ पराठे बना दिए, ये सुबह सुबह ना चाय पराठे ही खा गया था, खाना वाना लेके नहीं जाते, अभी आएंगे तो मतलब 12 बजे तक आएंगे, तब तक मैं खाना बना के रेडी कर दूँगी, तो ये लेके चले जाएंगे सुबह सुबह। पानी वानी की बोतल ले ली, इनके जूते उठा के रखो अंदर, क्योंकि यहाँ पर ना कुत्ते ले जाते हैं, इधर रखूँ अभी, गेट करती हूँ बंद।
फाइनली ये चले गए, मैंने गेट पर सब कुछ बंद कर दिया है, इसकी भी लाइट बंद कर देती हूँ और फ्रिज भी बंद कर देती हूँ। रात भर से चल रहा है, अब मैं जाके सोऊंगी थोड़ी देर, उसके बाद दोबारा से उठूँगी क्योंकि अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। देखो मैं भी सोती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गई और मैम देवा उठ गया। मैम देखो मम्मा की नकल कर रहे हो तुम, है ना? मम्मा की नकल करते हो तुम। फिर मम्मा आ रही और सुबह उठते उठते ही ना मेरे को देखे हट कर, हट बहुत मारूंगी बेटा मैं, हट नहीं करते है ना, हट नहीं करते किसी को, ठीक है? हट नहीं करते। हाँ मार्केट में जाएगा तब किसी को देखे हट, किसी ने ना मारा ना पकड़ के, बहुत मारेगा कोई हट करते हो किसी से। बैब। और अंशी अभी इधर सो रही है ये, और टाइम हो गया है 8 बजे, मैं सोई थी 6 बजे सोई थी, मतलब 5:30 पे गए थे आधा घंटा, फिर उसके बाद मैं लेटी थी थोड़ा, एकदम से नींद नहीं आती, 6 बजे मैं सो गई थी, और अभी 8 बज गया है, अभी ये उठ गया है मेरा छोटू छा, हाँ मेरा। तो अभी फिर मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए और अंशी के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ अंशी के लिए। और वैसे मैंने पराठा बना के रख दिया था एक सिंपल, बट देखती हूँ खाती। राधे राधे बाबू, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग बाबू, बाबू नहीं करता। राधे राधे अंशी, राधे राधे बाबू, राधे बाबू नहीं करेगा कुछ भी। अंशी ना शर्माती भी है देखो, राधे 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 ये कर रहा, राधे राधे देवा, राधे राधे। सो अभी ना जस्ट मैं कैमरे में बात ही कर रही थी, तब तक देवांश ने कर दी थी पट्टी। ये तो कहो कि इसने ना डायपर डाल रखा था, तो मेरा काम नहीं बड़ा, वरना पूरा बिस्तर गंदा कर देता है ये ना। एक्चुअली इससे पट्टी है ना ये 2-3 दिन में करता, मतलब 2 दिन तो इसको है ही, 2 दिन बाद ही करता है ये, तो कभी कभी ना मेरे दिमाग से भी निकल जाता है कि इसने कब की थी पट्टी। सो अभी मेरा ना सारा काम हो गया है, बस अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, 11:30 हो गया है, ये 12:30 बजे तक बोल रहे थे कि मैं आऊंगा खाना लेने के लिए, मतलब अभी मेरा खाना नहीं बना है। देवांश अंशी दोनों नहा लिए हैं। अंशी नहीं, गंदी बात यार, एक काम मारूंगी मैं तुमको, शांति से खड़ी रहो, अभी दे दिया तुमको खाने को। अंशी को मैंने सुबह एक पराठा खिला दिया था, ये नॉर्मल पराठा खा लेती है। देवांश को झूले में डाला है अभी मैंने, क्योंकि वो सोने को कर रहा था। अब मैं जल्दी से सब्जी मैंने काट के तो रख दी थी, बट बस ये मसाला थोड़ा सा रेडी कर लूँ, टमाटर वगैरह काट लूँ। सच में मैं नहीं नहाई हूँ अभी, इनको खाना बनाने के बाद नहाऊंगी फिर ना। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो अभी मैंने पूजा वूजा कर ली है, सब कुछ हो गया है। सो अभी मेरी सब्जी बन गई है, आटा लगा के रख दिया था मैंने। अंशी के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं, उसको आलू का पराठा या कुछ भी बना दूंगी ना, और या तो दही से आलू खा लेगी वो, तो वो सब हो गया है। तो वो देवांश आवाज कर रहे हैं, इसको चैन नहीं पड़ता। सो इसका झूला ना झुलाते रहना पड़ता है बार बार। तो सारा काम हो गया है, वैसे मैं पूरा एकदम से ना फ्री हो गई हूँ, बस थोड़े से कपड़े हैं वो मैं आज नहीं धुल रही, अब मैं ना कल ही धुलूंगी कपड़े। क्या हुआ? सो कल ही मैं कपड़े धुलूंगी, अब थोड़े से ही है, मतलब 2-4 कपड़े हैं, मैं सोचती हूँ थोड़े से और हो जाए तो कल धुलूंगी, कल मशीन लगाऊंगी। और हाँ, कल मेरे को जाना है ससुराल। क्या गोना, अभी आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सो देवांश ने ना आज अंशी के कपड़े पहने हैं, मैं अंशी के लिए लेके आई थी, पर अंशी के लिए ना छोटे आ गए। अंशी हाँ मारो, मारूंगी दीदी को, गंदी है ये। सो अंशी को छोटे आ गए थे, मैंने इसको पहना के देखे ना, इसके फिट हो रहे हैं। सो अच्छा लग रहा है ये, मैंने इसको तक पहना लेती हूँ। हाँ देवा, अंशी तुम वाली सुंदर लग रही हो। देवू बोलो,
ये है इनका टिफिन, जा रहे हैं खेत पे। दे बाय। इतने सारे हमारे गार्डन में फूल खिले हुए हैं। इसमें कई सारे फूल आएंगे, इसे देखो आएंगे फूल। कहाँ पे? नीचे गुलाब पे ना? इसके भी आएंगे। हाँ ये देखो, ये है, ये छोटे छोटे से इन पे आ जाए बस। ये मैंने अभी लगाए हैं, एक वो लगाया अभी। लकड़ी छील के लगाना पड़ता है। बाय कर लो, पापा को बाय करो। ऐसा ही है ना रखना, जितने बड़े हो जाएंगे रखना। बोले कोई बात तो कॉटर काट दो, छोटा तो भी फूल ले गया। बाय कर लो अंशी। चलो अंशी खाना खाएंगे। चलो चलो अंदर चलो। सो फाइनली अब हम लोग खाएंगे खाना और एक बज गया है पूरा। अंशी आ जाओ अंदर।